सीमा से 40 किलोमीटर दूर भारत ने दिखाया दम। राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान कि हर चुनौती के लिए हम हैं तैयार। राजस्थान के जालौर में आज बाड़मेर हाईवे पर स्पेशल एयर स्ट्रिप की शुरुआत की गई है। पाकिस्तान से सटी सीमा पर सुखोई और जगुआर जैसे वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने यहाँ अपना पूरा दमखम दिखाया और हाईवे पर लैंडिंग की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसकी शुरुआत की गई। खास बात यह है कि दोनों मंत्री भी वायुसेना के स्पेशल विमान से इसी एयर स्ट्रिप पर आए थे। आपको बता दें कि वायुसेना पिछले कुछ वक्त से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल हाईवे पर इस तरह के एयर स्ट्रिप बनाने पर फोकस कर रहा है। ये पहला नेशनल हाईवे है जहां पर इस तरह की एयर स्ट्रिप तैयार हुई है। इससे पहले यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी सुखोई लैंड कर चुका है। पाकिस्तान की सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित ये करीब 4 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर वायुसेना के लड़ाकू विमान लैंड कर सकेंगे। यहाँ पर आज रनवे पर सुखोई लड़ाकू विमान ने फ्लाई पास किया, साथ ही जगुआर और एयरफोर्स के अन्य विमान भी इस दौरान यहाँ पर दिखाई दिए। खास बात यह है कि ये एयर स्ट्रिप भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही है, ऐसे में भविष्य में सामरिक रूप से भी इसकी काफी अहमियत होगी। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले और कहा कि पाकिस्तानी बॉर्डर से एयर स्ट्रिप कुछ ही दूरी पर है, जो ये सिद्ध करता है कि भारत किसी भी चुनौती के लिए हमेशा तैयार है। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक अवसर यदि हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सड़क परिवहन मंत्री और हमारे मित्र श्री नितिन जी गडकरी को इसका श्रेय जाता है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि आज देश आजादी का यह अमृत महोत्सव मना रहा है, साथ ही 1971 का युद्ध जिसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी उसका यह स्वर्णिम वर्ष भी यह देश मना रहा है। और आज यहां पर खड़े होकर हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, यह स्थान भी 1971 की विजय का यह साक्षी रहा है। और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर से आप जानते हैं कि यह स्थान बहुत ही नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। और इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना करने की भारत के अंदर एक कुवत है, यह संदेश भी हमने स्पष्ट रूप से दे दिया है। ऐसे में इस एयर स्ट्रिप को देखकर पाकिस्तान के तो होश उड़े हुए होंगे, क्योंकि जिस तरह से भारतीय लड़ाकू विमानों ने अपना दम दिखाया वो वाकई हैरान करने वाला था। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।